तुलसी कुमारी 54 मार्क्स है। ताली की गड़गड़ाहट होनी चाहिए, तालियां नहीं बज रहा है सही से। ये क्या है? शूटर अजय 63 मार्क्स है। आकाश कुमार 64 मार्क्स है, लीजिए। मिथिलेश कुमार 70 मार्क्स, ताली ना बजाए, दो कॉपी नहीं चल जाएगा। उदय कुमार 71 मार्क्स है। मुकेश कुमार 80 मार्क्स है। गौरव राज 82 मार्क्स है, लीजिए। विक्रम 85 मार्क्स है। नीतीश यदुवंशी 87 मार्क्स है, लीजिए। एसके 88 मार्क्स है, लीजिए। मुकेश पंडित 94 मार्क्स है। निक्की कुमारी 94 मार्क्स है, लीजिए, दे दीजिए। मेरा भी 94 मार्क्स है, तालियां नहीं बजा रहे हैं। अमित कुमार भी 94 मार्क्स है, लीजिए। चंदन जी 95 मार्क्स है, लीजिए। गोविंद जी 97 मार्क्स है, तालियां बजाइए थोड़ा सा, अच्छा से तालियां नहीं बज रहा है। अभिषेक रॉय 99 मार्क्स है, आज थोड़ा 100 मार्क्स में है, उन लोगों के लिए थोड़ा ताली बजाइएगा। कल से मतलब अब बिहार एससीसी में अंडर 5 लिया जाएगा, ठीक है? टॉप 5 को क्लैपिंग भाई करिए थोड़ा सा बढ़िया से। अभिषेक कुमार 105 मार्क्स है, क्लैपिंग करिए थोड़ा अच्छा से, बहुत अच्छा मार्क्स है आज। आज का टॉप 3 है, अब हम टॉप 3 का बात कर रहे हैं आज। लक्ष्मण पंडित 107 मार्क्स है, थोड़ा क्लैपिंग करिए अच्छा से। लक्ष्मण जी मान लीजिए, आइए यहाँ, मतलब आज क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बताइए, दाया साइड आ जाइए आप। क्वेश्चन के बारे में बताइए, आज का क्वेश्चन कैसा लगा आपको, कैसा क्वेश्चन, कैसा था क्वेश्चन? मॉडरेट था, इजी, मॉडरेट टू इजी कह सकते हैं, उतना हार्ड भी नहीं था, उतना भी नहीं था, लेकिन ये था नेक्स्ट टाइम था जो आप 100 प्लस कर सकते थे। कुछ क्वेश्चन इसमें त्रुटि जैसे, मतलब कुछ और ऐड करना चाहिए, मतलब त्रुटि के मतलब कहने, एक सेकंड एक त्रुटि कहने का मतलब ये है कि मतलब त्रुटि का आगे कुछ ऐसा और क्वेश्चन, मतलब कुछ इसमें और ऐड करना चाहिए, मैथ रीजनिंग साइंस में कुछ क्वेश्चन आपको कमी लगा कि कुछ कम रह गया या कुछ और आना चाहिए, करंट है? करंट और साइंस में थोड़ा हमको कम वेटेज दिया गया, मतलब उसमें क्वेश्चन कम देखा गया और बाद बाकी सब ठीक। और किसी भी आदमी, मतलब किसी भी स्टूडेंट को कुछ क्वेश्चन है लक्ष्मण जी से, क्योंकि लक्ष्मण जी टॉप 3 में आए हैं, अगर कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ इसके टैलेंसिटी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, वही है मतलब वैसे। कैसे लक्ष्मण जी, आप अपना कॉपी ले लीजिए। टॉप सेकंड है, टॉप 3 में हमेशा आते हैं ओम प्रकाश जी, थोड़ा क्लैपिंग बढ़िया से करिए, तो अच्छा से करिए। बताइए सर, आप अपने मतलब हिसाब से आज के क्वेश्चन के बारे में, मतलब आज का क्वेश्चन कैसा था? क्वेश्चन तो बहुत अच्छा था, क्वेश्चन क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन के बारे में क्या आप बताइए कि क्वेश्चन में कुछ कमी या कुछ आपके तरफ से ऐड करना चाहिए, या क्वेश्चन मतलब जैसे साइंस का पार्ट था कम था, या मैथ रीजनिंग में कुछ कैलकुलेटिव कम था, या कुछ और भास्ट करना चाहिए मैथ को, कि इसी तरह का बोर्ड्स में आता है? नहीं, मैथ और रीजनिंग सही है, मैथ रीजनिंग सही है, ऐसा ही आएगा बोर्ड में भी, ऐसा ही आएगा। बट इसमें बात यह है ना, करेंट और साइंस का मतलब कम है, करेंट इसमें 10 और आएगा और साइंस थोड़ा इसमें थोड़ा हार्ड होगा, या तो बढ़ाई होगा क्वेश्चन, ठीक है क्वेश्चन। मैथ क्वेश्चन सही है, मैथ ऐसा ही बेसिक मैथ है, सॉल्यूशन करने वाला है, थोड़ा टाइम लगता है, अच्छा मैथ सर, पहले जैसे नहीं है। आपके हिसाब से कितना मार्क्स आना चाहिए, मतलब मिनिमम जो प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब अच्छा जिसको प्रिपेयर है जो, मतलब देखिए इसमें ऐसे नहीं कर सकते, जैसे कि आप क्या होते कोई शुरुआत तो भी मतलब आपके हिसाब से मिनिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स कितना रहना चाहिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना रहना चाहिए? मैक्सिमम 125 और मिनिमम 100 प्लस मतलब रहना चाहिए हर एक स्टूडेंट को, इतना आना चाहिए। क्लैपिंग करिए अच्छा से, 123 मार्क्स है, टॉपर का एक नंबर ज्यादा है आज। पवन जी आ जाइए, थोड़ा क्लैपिंग करिए बढ़िया से, क्लैपिंग करिए, आज के टॉपर है पवन जी। बताइए पवन जी आज के क्वेश्चन के बारे में, कितना स्कोर है? 124। क्लैपिंग करिए अच्छा से, क्लैपिंग करिए, और क्लैपिंग करिए। बताइए क्वेश्चन तो ठीक ही था, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए थोड़ा सा, बच्चे लोग कैसे तैयारी करें, कुछ मतलब जिसको 80 मार्क्स तक आया है
वो बच्चा अभी एग्जाम में अगर प्रवेश करेगा तो उन लोगों के लिए मतलब किस तरह से तैयारी करे, किस स्ट्रेटजी बनाए ताकि वो कुछ आगे मतलब इम्प्रूव कर सके। देखिए यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबके कोई ना कोई जितने भी मतलब सिलेबस है इस एग्ज़ाम का या कोई भी जनरल कमीशन का जो एग्ज़ाम होता है लगभग लगभग सब क्या हुआ रहता है। अब जो फ्रेशर है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जो क्या हुआ रहता है 80 मार्क्स आया है तो वो थोड़ा बहुत तैयारी तो जरूर करे होंगे। हाँ, तभी कर तो 80 मार्क्स तो मतलब 80 मार्क्स आना मतलब तैयारी कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कंफ्यूजन थोड़ा सा बढ़ गया है पिछले 2-3 साल से तो जरूर कर रहे होंगे तभी 80 मार्क्स। तो उनको मेरे ख्याल से एक ही है कि बस रिवीजन होना चाहिए लंबा चौड़ा हिसाब से, मतलब ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके एक हो सके तो नोट्स बना लीजिए तो बेहतर होगा एग्जाम के दौरान तैयारी करने में। इसमें निगेटिव का क्या फंडा है कि मतलब निगेटिव अगर ज्यादा बढ़ रहा है जिस बच्चे को या निगेटिव कम है तो इसमें तो नॉर्मलाइजेशन नहीं है, इसमें नॉर्मलाइजेशन है इसमें नॉर्मलाइजेशन है इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं है तो मतलब निगेटिव का क्या फंडा है? निगेटिव जैसे बच्चा को कुछ ज्यादा चल जाता है उन लोगों के लिए कुछ बताइए कि वो लोग कैसे करे, मतलब या तो निगेटिव कम करे या जो कंफ्यूजन है उसको छोड़ दे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसमें जीके में जो है तो कम से कम कंफ्यूजन तो आ ही जाता है, सबको आता है और उसमें थोड़ा सा अगर 50% के आसपास आ जाए कन्फ्यूजन तो लेना चाहिए, लेकिन मैथ रीजनिंग में 100% सिक्योर हो तो ही लेना चाहिए अटैम्प्ट, वरना हम अगर सोच के लेते हैं तो वो गलत ही होता है, ज़्यादातर 90% चांस है कि गलत हो जाता है मैथ रीजनिंग में। बाद बाकी आज का रीजनिंग हल्का था पिछले अपेक्षा। और आपको किस सेक्टर में थोड़ा सा इजी लगा? आज रीजनिंग मुझे अच्छा बहुत इजी लगा लगभग हिसाब से। जीके का सेक्टर आपका किस तरह से लग रहा था? पिछले हिसाब से भारी था मेरे ख्याल। इस तरह का जीके मतलब आपके हिसाब से रहना चाहिए, मतलब एग्जाम हो अगर एग्जाम आने वाला है एग्जाम हो तो इस तरह का जीके रहना चाहिए। वो करते हैं सर इसलिए क्योंकि लास्ट में 10-15 मिनट बचाते हैं तो अगर इसमें टिक आउट कर दिए रहते हैं तो ब्रेक नजर जाता है कि ये क्वेश्चन मेरा छुटा हुआ है, उसको हम फिर से सोचते हैं दिमाग लगाते हैं तो अटेम्प्ट करते हैं। अपने कंफ्यूजन जिस मतलब जिस क्वेश्चन में इनको कंफ्यूजन हुआ है उस क्वेश्चन को टिक करके रखते हैं कि नेक्स्ट टाइम में जो मतलब एक राउंड मारेंगे ना उसमें सही कर लेंगे। ठीक है, किसी भी किसी को क्वेश्चन है इनसे पूछ लिए, मतलब जो बता दिए बढ़िया से टॉप किए आज।